इस महान कलाकार का जन्म असम के तिनसुकिया जिले के सदिया नामक स्थान में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने अपना प्रथम गीत 10 वर्ष की आयु में गाया। साथ ही उन्होंने असमिया चलचित्र की दूसरी फिल्म इंद्रमालती के लिए 12 वर्ष की आयु में काम भी किया। वे भारत के उत्तर पूर्वोत्तर राज्य असम के एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार एवं गायक थे। इसके अलावा वे असमिया भाषा की कवि, फिल्म निर्माता, लेखक एवं असम की संस्कृति और संगीत के एक उत्कृष्ट जानकार भी थे। भारत के एक विलक्षण कलाकार थे जो अपने गीत स्वयं लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे। उन्हें दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम सांस्कृतिक दूतों में से एक माना जाता था। उन्होंने कविता लेखन, पत्रकारिता, गायन, फिल्म निर्माण आदि अनेक क्षेत्रों में काम किया। उनके गीतों ने लाखों करोड़ों दिलों को छुआ। उनकी असरदार आवाज में जिस किसी ने भी उनके गीत जैसे मानु है मानुहर बाबे जो दी है अकनो ने भावे दिल हुम हुम करे दिल हुम हुम करे और ओ गंगा बहती है क्यों सुना, वे इससे इनकार नहीं कर सकते कि उनके दिल पर इस अद्भुत आवाज का जादू न चला हो। अपनी मूल भाषा असमिया के अलावा उन्होंने हिंदी, बंगला समेत कई अन्य भारतीय भाषाओं में गीत गाए। आमाय एकजन सादा मानुष दाओ जार रक्त सादा आमाय एकजन कालो मानुष दाओ जार रक्त कालो। बहुचर्चित फिल्म गांधी टू हिटलर में सबके मन को मोह लेने वाली अपनी आवाज में जिस प्रकार से उन्होंने महात्मा गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन गाया था, वह भला कभी कोई कैसे भूल सकता है। जी हाँ, उन्हें क्षेत्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, सिनेमा जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार और इसके अलावा असम रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्यार और भाईचारे के जिस संदेश के साथ यह सफर हमारे अपने भूपेंदा ने सदिया असम से शुरू करके एक दूत, एक खानाबदोश जाजाबौर की तरह सारे विश्व में फैलाया, यह एक सागर की तरह अनंत और अपार है। आइए हम सब एक सागर संगम की भांति मिलकर भूपेंदा की इस धरोहर को आगे ले चले। इस यात्रा का कभी अंत नहीं है। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निःशब्द सदा ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो। नमस्कार एंड वेलकम डियर व्यूअर्स, मैं फ्लोरेंस हैंडिक राभा आप सबका पीपीसी नॉर्थ ईस्ट के इस सुपर स्पेशल प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दिस प्रोग्राम इज सुपर स्पेशल बिकॉज दिस शो इज ऑल अबाउट द ग्रेट म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट, सिंगर, पोएट, फिल्म मेकर, द लेजेंड ऑफ असम, डॉक्टर भूपेन हाजोरिका, हमारे सदाबहार भूपेंदा। Today we are celebrating the 89th birth anniversary of Dr. Bhupen Hazarika. Friends, I'm happy to share with you that today on this platform we will be presenting before you many new and upcoming artists
who have come to our studios with great enthusiasm to sing Bhupendra's songs. And to cheer them up, to encourage them, we have amongst the audience our specialized, our dignified guests from the film world of Assam and music world. हम आपको उन सब से मिलवाएंगे, हम उनसे प्यारी प्यारी बातें करेंगे भूपेंद्र के बारे में, भूपेंद्र के सुरीले गाने भी उनसे सुनेंगे. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट माय फ्रेंड रोहानंद गोगोई ऑन स्टेज टू जॉइन मी. रोहादा इज अ ग्रेट फैन ऑफ भूपेंद्र. वह भूपेंद्र के डाई हार्ड फैन है, जबरदस्त फैन है. वो भूपेंद्र को काफ़ी करीब से उन्होंने पाया है, उन्होंने भूपेंद्र के साथ काम किया है. वह भूपेंद्र के गाने अक्सर गुनगुनाते हैं, उनके गीत गाते हैं. सो लेट अस वेलकम ऑन स्टेज श्री रोहानंद गोगोई. तीरा सीमांत रूपर नायंत नक्ते वांचु तांसा युगली देखिलु मनर सेउज दिगंत. वाह रखादा, आप तो अरुणाचल पहुंच गए. जी हाँ फ्लोरेंस, ये भूपेंद्र के जो गाने हैं उसमें हमारे पूर्वांचल के कई सारे चित्र नज़र आते हैं, उभर आते हैं. वो दिल से इसका जो लिखन किया है उसका कोई जवाब नहीं है. Okay. तो मैं इसीलिए इसको गुनगुनाता चला है. लगता है आप भूपेंद्र के गीतों को पूर्व से पश्चिम की तरफ ले चलेंगे. जी हाँ फ्लोरेंस. तो इसी के साथ फ्रेंड्स, फर्स्ट वी वुड लाइक टू प्रेजेंट बिफोर यू आवर फर्स्ट आर्टिस्ट डॉक्टर सुकुमार बोसो. ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग बाय डॉक्टर भूपेन हजारिका. द सॉन्ग इज अबाउट अरुणाचल प्रदेश. अरुण किरण हीरार भूखा गले ही मर्दा पुआर हुरुजे सुमा खुआ दे अमार अरुणाचल, अमार अरुणाचल दोनी व्यय हो दुम्रल व्यपेद तापा में जीलु दो कमची गए दोनिये मोपुम्न लग मोलु अरुणाचल, मोलु अरुणाचल. अरुण किरण शीश भूषण अंतहीन की धारा प्रभात सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा. अरुण किरण शीश भूषण कंठहीन की धारा प्रभात सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा, अरुणाचल. भारत माँ का राज दुलारा अरुणाचल हमारा, प्यार से दुलराई तो है तोड़ेंगे विपद तारा. मन हमारा चंचल धारा हुई न दूर किनारा, प्रभात सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा. कानव धान झूम खेती खेतों में झूम कानव धान, मिथुन गो की पावन पूजा गाँव का सन्मान,
मिथुन गो की पावन पूजा गांवों का सम्मान, जातीय जन उपकार हमारा सामूहिक बल सारा, प्रभात सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। जिले कामिंग सियांग लोही तिराप सुमन सिरी, चिरस उज्ज्वल कुसुम साहे शोभित हिमगिरी, पंच फूलों का एक गुलिस्ता तन मन से प्यारा, पंच फूलों का एक गुलिस्ता तन मन से है प्यारा, प्रभात सूरज चुमित देश अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। आसंग सांग आमंग तेयांग दीते तापम आशीरे, रकम दानिये मोपुपन मेट मनुके अरुणाचल, मनुके अरुणाचल हमार अरुणाचल, हमार अरुणाचल, अरुणाचल हमारा, अरुणाचल। Well, friends, I would like to throw a question to our dignified guest here today. Bhupinda ne ek geet likha tha, jis geet ne Assam aur Nagaland ke logon ko kafi kareeb laya. Koi us geet ke bol sakta hai? Wah! कोटगी जी, थैंक यू सो मच, दैट्स द राइट आंसर। इसी गीत को गाने के लिए हम अभी मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे नए कलाकार डेजी गोगोई और अरुण अर्जुन बसुमतारी को। वेल, डेजी आई है नौगांव से और अर्जुन आए हैं धेमाजी से, और फर्स्ट टाइम अर्जुन और डेजी टेलीविजन पर भूपेंदा के गीत गाएंगे। মই গদা পানি আধুনিক ভয়াম, আমি আজি দুয়ো সহযাত্রী, মই গদা পানি আধুনিক ভয়াম, আমি আজি দুয়ো সহযাত্রী, অভিমুখী নিশাৰ ৰেল। তোমাৰ হয়তো ঘনে পৰিছে মনত লৰালিৰ কথা সেই জেখামা গাঁৱত, ৰঙা নীলা পাখি পিন্ধি পখিলাৰ দৰে নাচি ফুৰা কথ মিঠা উৎসৱ, ভারতীরে জিয়া প্রতীক সমন্বয়,
लगता है हमारे रोखादा कुछ कहना चाहते हैं। जी हाँ फ्लोरेंस, भूपेंद्र के इस गाने ने मुझे ऐसा कुछ याद दिलाया। हम अक्सर जब भी कोई नागालैंड के भाई या बहन से मिलते हैं, वो कहा करते हैं, असम पूरा भूपेन हजरिका तू बहुत धुनिया धुनिया गान गाय थकी से आमी खान ताकि बेसि करी भाल पाए आरो। सो स्वीट। एजी तो संपर्क संप्रीति यानी जो सद्भावना का जो वार्ता है, भूपेंद्र ने इतना अच्छा से इतना सुंदर तरीके से इसको एस्टैब्लिश किया है, ये तो लाजवाब है। एनीवेज, आप और कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं एक्चुअली अभी कुछ बातें करना चाहूँगा। आमी तिराप हिमांत्र कथा शुनिलु, अरुणाचल स्टेट सॉन्गर कथा शुनिलु, दुटी सुंदर सुंदर गीत शुनिलु अरुणाचल नागालैंड ये विषय लगे बैदेर ऊर आई बैदे तिराप अरुणाचल पीछते काखते लगी आज तेजपुर आपनलोर मरम आम मरम सकोरे आपनलोर शैशव ताते सुंदर भावे अतिबाद आम जानू सांस्कृतिक जीवन भूपेन्दारे हक आपनलोरे हक गोटे पर भाई भनी सकर अकमान जो सुवरणी आपुनी आम आगत दांगी धरे बड़ सन्तोष पा। मैं सोते तेजपुर नपाहेन हेतु मैं गीतक भल पाल निशिकिलोहेन सोते भूपेन्दाय महान शिल्पी ज्योतिप्रसाद आगरलादेव कलागुरी विष्णुप्रसाद राभा और नटकूर्य मणि शर्मा पासी तक आम घर अं मोर अलप मन पड़े तेजपुर बुलिले मैं संस्कृति बेदी भाव भूपेन्दा सोते जैसे गीत शुनिले भूपेन्दा एक्टिंगो करे एकलपर जैसे इ करे मैं सोते बुझी नपाँ द्रोणाचार्य आंगुल तो काटे मोर बड़ दुख लगे क्यों एने सचाक हो गल सचा आंगुल तो काटि जैसे गल तेज टपात पड़े तार पास डांगर बुझिल द्रोणाचार्य के निश्चुर भावे मानने अर्जुनक महावीर करके কূটনীতি আশ্রয় কূটনীতি আশ্রয় লৈছিলে সেইবোৰে অলপ ডাঙৰ হওঁতে আমাৰ মনত শিপালে। যিয়েই নহওক ভূপেনে নিজেই কৈছে তেজপুৰখন সংস্কৃতিৰ বেদী, ময়ো কৈছোঁ মোৰ দেউতা আমাৰ বৰ ধাৰ্মিক আছিলে। ভূপেনে কৈছিল যে মই জ্যোতিৰ জেউতি আৰু ৰাভাৰ আভাৰে প্লাৱিত, সেয়ে মই মানুহক ভাল পাব শিকিলোঁ, মই নিজৰ দেশখনক ভাল পাবলৈ শিকিলোঁ, অসমীয়াৰ যিবোৰ গীত মাত সেইবোৰ মই ভাল পাবলৈ শিকিলোঁ। এইখিনি কথা ভূপেন্দাই সদায় কৈছিলে, সেয়ে মোৰ আজি মনত পৰে। মোৰ এতিয়া বৰ কণ্ঠটো ভাল নহয়, তথাপি মই গাম মোক এসময়ত অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত আইতা নলিপালা বাই আইতাই শিকাইছিল, নলিমলা দেৱীয়ে শিকাইছিলে জন্মাষ্টমীৰ গীত। জন্মাষ্টমীৰ গীতটো এনেকুৱা আছিল, যেতিয়া দৈৱকী আৰু বসুদেৱক বিয়া হ'ল, বিয়াৰ পিছত আনন্দৰে আগবঢ়াই থ'বলৈ গ'ল হয়, কিন্তু আকাশবাণী শুনিলে যে কংস তই ইমান অত্যাচাৰী, তই যাক ইমান মৰম কৰি থ'বলৈ গৈছ সেই ভনীৰ অষ্টম সন্তানটিয়ে তোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব, তেওঁলোকক আকৌ আনি কাৰাগাৰত থ'লে। তেতিয়া এটা আকাশবাণী কৰিছিলে ৰাধানাথ দে প্ৰাণ না
জাকলয়া জাহ কংখ খুন রে অজ্ঞান এহি অস্তম গর্ভ তোর লইবে প্রাণ রাধানাথ রে মই সৌভাগ্যবশত মণিৰাম দানত গীত গাবলৈ মোক সৰ্বেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী লৈ গৈছিলে ভূপেন দাই যেতিয়া এই গীতটো শুনিলে মোক সাৱতি ধৰিলে মই তোক খুব ভাল গীত এটা লিখি দিম গীতটো লিখি দিলে মই অকণমান গাম সংগ্ৰাম লগ্নে আজি সত্যাজি আই সবীর হব দুষ্কৃতি নাখিতে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লয়া আই আজি যত দৈত্যকে বোধ অতি সুন্দৰ নিশ্চয় আপুনি বাছি থাকিবই লাগিব আমাৰ মাজত সদায় থাকিব লাগিব সুৰৰ বন্যা সদায় আমাক আমাৰ মাজত বোৱাই থাকিব লাগিব ধন্যবাদ সুদক্ষিণা বাইদেউ এই যে জন্মদিন পালন কৰিছে তাৰ কাৰণে দূৰদৰ্শন সকলোকে মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু সমূহ দৰ্শক মণ্ডলীলৈ আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা সেৱা যাচিছো নিশ্চয় আমি খুব আপ্লুত হৈছো আপোনালোকক ওচৰত পাই আমি আকৌ কথা পাতিম আপোনাৰ লগত এইবাৰ ফ্লোৰেন্স সুদক্ষিণা বাইদেউ কি গীত অৰ বাতে সুনকৰ ভূপেন্দা কি যাদে ফিৰ সে তাজা হৈ গৈ হেন ৱো হামাৰে দিল মে হামেশা বসে হেন অৰ হামেশা বসে ৰহেংগে আপকে গীত সুদক্ষিণা বাইদেউ অৰ আপকে বাতো নে হামাৰে দিল কো ছু লিয়া হে ৱেল ফ্ৰেণ্ডছ হামাৰে বীচ মে অৰ এক হস্তি মৌজুদ হে ৱো হে কমল কটকী জি কমল কটকী জি কো আপনে আবি থোড়ি দেৰ পহলে দেখা হোগা বড়ি উৎসুকতা সে উন্হোনে এক কোয়েশ্চন কা আনসার দিয়া থা তব হাম আপকো উনসে ইন্ট্রোডাকশন নেই করবা পায়ে আভি করবা রহে হ্যাঁ হামারে সাথ হ্যাঁ কমল জি থ্যাংক ইউ ওকে কমল জি আপ ইউ 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 হ্যাভ বিন ইউ আর ক্লোজ কম্প্যানিয়ন অফ ভূপেন্দা লাস্ট মোমেন্ট তক ইউ ওয়্যার উইথ ভূপেন্দা সো হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট থিং ইউ লাইক You like about him? It's very difficult for anyone in this planet, I think, to speak one sentence about Bhupendra, one aspect of Bhupendra. But I'll just today focus on one aspect of Bhupendra. That is, Bhupendra was an ambassador of integration for Assam, Northeast and India. He wrote a beautiful poem on this. I will recite it in English because this is a Northeast channel. So I think everybody will understand this and which is necessary for the entire people of Northeast Assam and India also. The poem originally written in Assamese, that is perspective. First line I will recite in Assamese, Mrittu janmar pora kiman durot. Now I will recite it in English as a mark of respect to Bhupendra. How far is date from birth? How far is date from birth? How far am I from myself? I am so multi-layered. At Sadia, I am an Assamese. Standing in Sri Lanka, I see the triangle of Kumarika, Kashmir, and Kamrup. The whole panorama is like my birthplace, Sadia. In New York, I met the young man from Africa. I felt I knew him from long, as if he is a muscular young man of my Sadia. In my perspective, people are optimistic.
In my perspective, people are optimistic, Assam, India, world. A conflict within the three-layered entity. Where is the conflict? Whatever fall, the world flew from my fingers like a bellow. The world flew from my fingers like a balloon. The world flew from my fingers like a balloon. I see from the heart of the moon, from the heart of the moon, heart of the moon, heart of the moon. Fabulous, fabulous, Kotogiji. That was really, really so touching. And next, my dear friends, I would like to present before you Dolly Hazarika, who will be reciting a poem written by Dr. Bhupen Hazarika. Khonya bihin mur khonya kon moy mur khonya nu ki khonya bihin khonya rongor bagori itasopora bhangi sao koka deutar haru nai tungkhungiya buron jiu nai goda dhoror dali mi unai kune kobo moy kun kumar bhaskar barma শঙ্করদেউ মাধবদেউ সূর্যকুমার ভূই আও নাই চিনিব নোৱাৰা হল শেষ নৃপতি 1826 বুকু হম হম করে মই কোন মই কোন প্রচণ্ড ধুমুহা প্রবল ধুমুহা জাতীয় চিন্তা ভৰিৰে মোহাৰি মই বিচাৰি আছো কেতিয়াবা বুকুত ঘহনি খাইছোঁ রক্তপাত হৈছে রংঘৰত ঠেকা খাইছোঁ তথাপি মই জানিব খুজিছোঁ মই কোন চাৰি কুৰি বছৰৰ পিছত পুৰণি দিনৰ বাকচত মই বিচাৰিছোঁ মোৰ জন্ম পত্ৰিকা মোৰ দেউতা ককা দেউতাই সেইখন ভালকৈ সামৰি থৈ যাব পৰা নাছিল তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ পিছত আমি নাতিবোৰে সেইখন বিচাৰি হাবা ধৰি খাইছোঁ হাই মেহুল ইফালে সিফালে এৰাবাটোৰ সুৰবোৰ হেৰাই যাবগৈ নেকি কিমান চেষ্টা কৰিলোঁ সাঁচি থ'বলৈ পুনাৰ ফিল্ম ইনষ্টিটিউটত অতি নেগেটিভো কিছু ভস্ম হ'ল যদি ককাইদেৱে প্ৰমাণ দিব লগা হৈছে তেওঁ কোন বিষ্ণু ককাইদেউ কোনোবাই সুধিছে বিষ্ণুৰাভা বৰুণে নে অনা অসমীয়া বিষ্ণুৰা কোন হয় ৰঙা মাটি ৰঙা তেজ ৰঙা বিপ্লৱৰ মই কা সুধিম মই কোন মোৰ দেউতাও নাই নাই মাও কোনে ক'ব মই কোন মোৰ সংজ্ঞা কি সংজ্ঞাবিহীন মোৰ সংজ্ঞা ধন্যবাদ ডলি থেংক ইউ ইট ৰিয়েলি ৰিয়েলি টাচ দ চ'ল ইট ৱাজ ৰিয়েলি ৱেল ছেড থেংক ইউ চ' মাচ সুৰময় কবিতা কে লিয়ে ভূপেন দা হামেশা हमारे बीच आदरणीय है उनका एक कविता मुझे बहुत पसंद आता है मैं उसे थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगा जरूर उच्च पहाड़ और श्रृंगले उठा मय एक प्रेमिक अश्वारोही दुरंत अश्वर पदध्वनि उन्माद हुआ एक शिर विद्रोही सुरमय कविता के लिए भूपेंद्र आदरणीय है वाह वाह थैंक यू हदद रखादा आपसे हमने आज ये इतना सुंदर हमने कविता सुनी वेल फ्रेंड्स सब आज यहाँ गीत का माहौल है सब भूपेंद्र के गीत गा रहे हैं मुझे भी कुछ गुनगुनाने को दिल कर रहा है लेकिन मुझे गाना नहीं आता मैं ये गाना गाने वाली हूँ जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन टू आर व्यूअर्स एंड आर ऑडियंस प्रेजेंट हियर वो गाना इस तरह से है नैनों में दर्पण है दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह हो शाम सो कैन आई आस्क माई फ्रेंड सिटिंग हियर ऑल आर डिग्निफाइड गेस्ट ये गीत कौन सी फिल्म का है ओ वाओ एवरीबडी नोज द आंसर थैंक यू सो मच जी हाँ फ्रेंड्स भूपेंद्र ने गुरुदत्त जी फेमस गुरुदत्त जी एक्टर प्रोड्यूसर director
ऑफ बॉलीवुड उनके भाई आत्माराम जी की फिल्म आरोप के लिए हमारे भूपेंद्र जी ने म्यूजिक डायरेक्शन दिया था. तो उसी फिल्म का गीत गाने के लिए हमारे यहाँ कुछ कलाकार, बहुत ही सुंदर सुंदर दो कलाकार उपस्थित हैं. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट द मदर डॉटर डुओ, वेल मिसेस तृष्णा गोगोई एंड दीपशिखा गोगोई ऑन स्टेज टू सिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द सेम फिल्म आरोप. प्लीज वेलकम देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. जब से तूने दर्शकों हमारे साथ आज मौजूद हैं बॉलीवुड के बहुत ही फेमस म्यूजिशियन डुओ जीतू तपन के तपन दा
वेल तपनदा आज हमारे बीच में है. तपनदा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भूपेंदा के साथ बहुत काम किया, आपका एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज. भूपेंदा के साथ हम लोग एक फिल्म किया था, फिल्म का नाम था काजघर. इट वॉज इन द ईयर ऑफ 1975. भूपेंदा पूरा सारा गाना उन्होंने लिखा था और हम लोग उसको धुन बनाया था. और गाना भूपेंदा, सुमन किरणपुर जी और हमारा आसाम का कोई कोई सिंगर ने गाया. उस फिल्म का भूपेंदा हमारा, हम एक छोटे होटल में रहते थे तब. मैं जो तो स्ट्रगल किया था, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं था तो हमने एक 250 रुपीज़ का एक रूम रेंट किया. रूम बहुत अच्छा था उसी टाइम, 250 का क्वाइट गुड. भूपेंदा को उन लोग बोला है, भूपेंदा आप कहाँ रहेंगे? जहाँ जीतू तपन है मैं उधर ही रहूँगा. मुझे बहुत शर्म लगा, भूपेंदा को ऐसे कैसे कह दिया इधर रहेंगे. भूपेंदा आके, नहीं नहीं मैं पहले उन लोग का पास तो ले जाओ. आया भूपेंदा, उसको बहुत अच्छा लगा. मैं तुम लोग का साथ रहूँगा. हमने अरे मैं जाते थकिन दे दादा अपनी भाई बोले यस यस वाई नॉट मैं जाते थकिन. तार पर मैं बोले जाते तुम्हार लोग गान लिखे माई राइट ऑल दिस लिरिक्स हियर एज एन विल्स हियर. तो हमको शाम को खाना खाने का आया उसी टाइम. मैं जो वी कांट अफोर्ड, हम लोग थाली खाते हैं 250 का. भूपेंदा को बोला अभी आप खाना कहाँ खाएंगे? तुम लोग जहाँ खाएंगे वहीं रह खाएंगे. मैं भूपेंदा हम लोग एक छोटे होटल में खाते हैं, कैन यू पर मच्छी मिलता है हमें मिलता है. हम लोग लेके गया वो होटल में, भूपेंदा खाया. ही वॉज डाउन टू अर्थ पर्सन, यू नो ही वॉज सच अ ग्रेट पर्सन. आई एम टेलिंग यू आई बी वेरी इमोशनल समटाइम्स. वो हमको बोला ठीक क्या है चलो. उधर में खाना वाना खाया और हर दिन हमारा साथ उधर में खाना खाने को गया. और भूपेंदा का गाना, वो गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ. एक सुमन कल्याणपुर जी ने गाया जीवन घोड़ी रोटी टू पॉल. पीपल लाइक इट सो मच, यू नो. ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग पीपल स्टार्टेड क्राइंग. तो भूपेंदा को वो गाना जब लिख के दिया, मैंने जब तुमने धुन बनाया, धुन बनाया तो भूपेंदा को सुना है नहीं. भूपेंदा बोला मैं रिकॉर्डिंग का बाहर ही सुनूंगा. वो गाने का एक मैं बात करना चाहता हूँ. सुमन जी गाना गाया, गाना गाने के बाद सुमन जी रो पड़ी और मेरे हाथ पकड़ के बैठा हुआ है. जीतू बाहर में, जीतू को गुस्सा आया. म्यूजिशियन बैठे हुए ओके नहीं किया, तू कैसे? मैं क्योंकि मैं वांट टू दे रहा था उधर. तो उसका बाद क्या हुआ, जी जीतू आके पूछा क्या हुआ. सुमन जी ऐसे नीचे में बैठे, मैं सुमन जी इट्स ओके ओके शी वॉज क्राइंग. वो गाना था जीवन घोरीर प्रति तुप जय गोली गंत निहंगतार पड़ुआ माथुते पड़ियो माथुते much tapanda. I remember that scene, what happened at that time. आपकी बातें सुनकर, आपके आपका ये गीत सुनकर हम भी बहुत इमोशनल हो गए हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस सेलिब्रेशन. माय प्लेजर. आई एम वेरी लकी दैट आई एम अमंग यू. इट्स अ ग्रेट डे फॉर मी. आ प्लेजर. गॉड ब्लेस यू ऑल. आ प्लेजर तपनदा. थैंक यू. थैंक यू तपनदा. वेल दोस्तों, अब हम आपको ले चलेंगे हमारी आम जनता की तरफ, जहां आप जान सकेंगे कि हमारी आम जनता, हमारी पब्लिक भूपेंदा के बारे में क्या कहना चाहती है. नमस्कार, मैं निशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे इस खास विवरण में जो कि डॉक्टर भूपेन हाजोरिका के ऊपर आधारित है. जी हां दोस्तों, डॉक्टर भूपेन हाजोरिका एक ऐसा नाम जो कोई पहचान का मोहताज नहीं है. उनका नाम ही उनके विशाल व्यक्तित्व और उनके उत्कृष्ट कलाकार होने का संदेश देने में सक्षम है. जी हाँ दोस्तों, आज इस इच्छाधारी, इस इतिहासधारी दिवस
8 सितंबर जिस दिन हमारे संगीत जगत के महानतम कलाकारों में से एक डॉक्टर भूपेन हाजोरिका का जन्म हुआ था। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं हमारे भूपेन दा के बारे में। भूपेन हाजोरिका, उसके बारे में जितना भी कहूँ वो कम है। डॉक्टर भूपेन हाजोरिका हम लोगों के लिए वो तो बहुत बड़े, जिसको बोलते हैं महान पुरुष, और उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और उसका 60s-70s में जो उसका गाने का जो ये था स्टाइल था, और उसका जो सिंगिंग क्वालिटी, उसका जो मतलब मुर्कीज वगैरह, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा, जितने भी न्यू कमर्स हैं, मैं भी न्यू कमर्स हूँ, और आगे भी जो आएंगे सिंगर्स लोग, भूपेन दा का गाना सीखे, वो गाए, क्योंकि भूपेन दा का गाने में जो है दूसरे गाने में नहीं है। तो आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? मेरा ऐसे तो भूपेन दा का सभी गाना अच्छा लगता है, लेकिन मेरा अभी जो पसंदीदा, मैं जो गाना मुझे अच्छा लगता है उनमें से थोड़ा मैं एक मुखड़ा सुना देता हूँ। खरो दीरानी तुमार है नुनाम, तुमी मोर निसे आपून, खैद्य स्नाता रूपोही मोर पोति निखार खपून। खरो दीरानी तुमार हेनु नाम। हाजरिका के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। वो एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर राइटर है। आज वो हमारे बीच ना होकर भी अपने गानों के जरिए हमेशा हम सब के बीच में जिंदा रहेंगे। झूठी मोती में सेवावन बोले भादो बोले कभी सावन बोले, झूठी मोती में सेवावन बोले भादो बोले कभी सावन बोले। प्रॉपर वर्ड भूपेन दा यूज करते थे, जब मोए थी ज्यादा हुआ। पिघलता हुआ ये समा हवाओं में ये नरमिया, फिजाओं में घुलता नशा, ये हम आ गए हैं कहाँ। पिघलता हुआ ये समा हवाओं में ये नरमिया, है फूलों ही के किस्म की महक ये तेरे जिस्म की, आवारा और मस्त हवा उसमें है अंदाज़े बया, ये नदियाँ की लहरें हैं या तेरा रेशमिया, जल जैसे लहराता है लहराता है लहराता है। पिघलता हुआ ये समा हवाओं में ये नरमिया, फिजाओं में घुलता नशा, ये हम आ गए हैं कहाँ। मैं बिल्कुल यही बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर भूपेन हजारिका जी वो सदी का महानायक है, और उनके जैसा इंसान सदी में एक बार ही पैदा होते हैं। एंड टुडे ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, उनके जन्मदिन में मैं उनको डेडिकेट करना चाहूंगा उनका एक एवरग्रीन सॉन्ग। स्नेहे आमार होतो श्रवणर धाराखर बृष्टिर प्लाबनने, जोबन बखना ऋतु पुकुर पूर्ण करे उन्मत्त बने। स्नेहे आमार हत श्रवणर धाराखर बृष्टिर प्लाबनने। लोगों का ये अपार सम्मान और प्रेम
हमारे अपने भूपेन दा के प्रति देखते ही बनता है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे स्टूडियो के ओर, जहां फ्लोरेंस और रोखानंदो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भूपेन दा हमारे हर दिल में बसे हैं और हमेशा बसे रहेंगे। आई एम श्योर आप सब ने इस ऑडियो विजुअल को एंजॉय किया होगा, एंड भूपेन हाजोरिका, डॉक्टर भूपेन हाजोरिका विल ऑलवेज रिमेन एन इंस्पिरेशन फॉर आर नेक्स्ट जनरेशंस। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू प्रेजेंट बिफोर यू अ स्पेशल पर्सन, अ स्पेशल गेस्ट। आई वुड लाइक टू कॉल हिम स्पेशल बिकॉज ही इज द ओनली वन इन आसमीज म्यूजिक वर्ल्ड or say Hindi music world who has translated the songs of Bhupen Da into Sanskrit. Imagine, Sanskrit is truly a language of intellectuals. That's how, because I used to find it very tough during my school days. So I would like to invite Ranjan Bezborua on stage. Please welcome him with a huge round of applause. प्रतिध्वनि शृणुम प्रतिध्वनि भूय प्रतिध्वनि शृणुम प्रतिध्वनि भूय ग्राम प्रशिमाता प्रधर ध्वनित निशितार्ति प्रतिध्वनि श्रुत प्रतिध्वनि शृणुम प्रतिध्वनि भूय कर्णीन शृणुम न श्रूयतीश अक्षीण लोकित नालोकितुयेश निमिलित नयनयो न विषयोयेश कीरेश हस्रं नारुहितं चैव निषिद्धार्ति प्रतिध्वनि श्रुत प्रतिध्वनि शृणुम प्रतिध्वनि शभाषा नैवावगता निषिद्धार्थि प्रतिध्वनि भूता प्रतिध्वनि शृणुम प्रतिध्वनि भूय अवशितेयं योषित शुकता अवशितेयं निशाया माता मही गाथा अवशितेयं कृषके हृदय जाव्यथा सुविदिता शभाषा नैवावगता नूतनार्थी प्रतिध्वनि भूता प्रतिध्वनि भूता प्रतिध्वनि शृणुम प्रतिध्वनि रविकर प्रचुम्बित प्रभाते मद्केश नूयनयो गुहचया हित पलायित प्रजागर मानव सहस्र विरुत दादा घातै सहस्रश प्रधरुमर्दित दादा घातै सहस्रश प्रधरुमर्दित जन समुद्र Thank you.
মাতার ধ্বনিতা নিশীধারতি প্রতিধ্বনি শ্রুতা প্রতিধ্বনি শুনু মই প্রতিধ্বনি প্রতিধ্বনি শুনু মই প্রতিধ্বনি শুনু মই ফ্যাবুলাস. Well, my dear viewers, I'm sure you also enjoyed this Sanskrit song by Mr. Ranjan Besbarua. Well, first time in life I've heard a Sanskrit song in my life. Anyways, next, my friends, I would like you to take you to a very renowned personality. Wo bahut hi popular aur veteran actor hain film industry ke. Well, guess who is he? Well, he is none other than the one and only very handsome and charming Mr. Biju Phukonda. Welcome to our show. Thank you very much. Thank you very much. Well, मैं बचपन से ही आपकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ. Oh, I'm really very lucky about that. मैंने आपकी तकरीबन सारी फिल्में देखी हैं. बहुत अच्छा. And thank you so much for coming to our show. और बिजुदा आप हमें बताएंगे कि आप भूपेंदा के बारे में आज हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? I am a very small person to talk about Dr. Bhupen Hazarika, such a legendary person. And since my childhood, I've seen him, I've listened to his songs. तब मतलब हम लोग ध्रुवगढ़ में थे, तभी से मतलब गाना सुनते आए हैं. तो इतना एक महान कलाकार जिसमें हर किस्म का हर तरह का मतलब हुनर है, और उनको मतलब हमारे देश आज असम के अंदर में या तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा कलाकार मिलना बहुत ही मुश्किल है. लेकिन मुझे एक ही बात मतलब इट कम्स टू माय माइंड हाउ टू माने कीप हिम अलाइव अमंग द यंग जनरेशन. अभी का जो जनरेशन है दे मस्ट नो अबाउट भूपेंद्रा. अभी जो यहाँ उनके जो समाधि स्थल बनाया हुआ है, वी वॉन्टेड आवर विजन वॉज लाइक यू नो रिसर्च सेंटर होगा कहीं, मतलब वहाँ पे गाना सुनेंगे, वन बाहर से कोई आएंगे तो ही विल डेफिनेटली गो एंड लिसन टू द सॉन्ग्स प्लेड द समाधि स्थल वेर दे कैन सम पीपल विल एक्सप्लेन वॉट इज वॉट एंड what is the meaning of the particular line. ये सब बातें मतलब we thought about it, but सच में हमारे यहाँ मतलब I don't see any person having with good knowledge and I don't mean the artist, huh? मैंने from administrative side, even for ministerial side, मतलब I've not seen anyone coming up with a solid idea कि हाउ टू लीव अ लाइफ, मतलब भूपेन हजारिका हाउ टू टेक फॉरवर्ड हिज होल जर्नी अमंग द न्यू जनरेशन ऑफ असम, ये दिखाई नहीं दे रहा है. ये मैंने आई एम सॉरी टू से बट दिस इज माई जेन्युइन फीलिंग फ्रॉम माई हार्ट. आई एम टेलिंग यू आई एम रियली फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट हिम. एनी वे थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. लॉन्ग लिव भूपेंदा. हमारे बीच और एक कलाकार मौजूद है जिनको हम एक सुर ताल के जरिए उन्हें हम पहचानते हैं, जिसने भूपेंदा के साथ कई प्रोग्राम्स किए हैं, कई काम किए हैं. मैं चाहूँगा उनसे कुछ सुना जाए. आसाम के ही नहीं पूरे भारत के एक बहुत बड़े कलाकार है, तबलिस्ट है और शिक्षक भी रह चुके हैं. तो मैं उनसे कुछ जानना चाहूँगा, उनके क्या फीलिंग्स है आज के दिन. ये पवन दिन है भूपेंदा के जन्मदिन. पवनदा, मैं अपना पर जानिब खुजिसु, आपने बहु दिन भूपेंदार लगत काम करी से, तबला बजाई से, तेखेतर लगत संगीतर चर्चा करी से, अपना अकमान अनुभव आरु तेनका धरनर किसुमान যিবিলাক আমি শিকিবলগীয়া কথা তেখেতৰ পৰা আমি হয়তো পাব পাৰোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে, আমি অকণমান জানিব বিচাৰিম. ধন্যবাদ.
সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো এইটোৱেই যে মই নিজকে এজন সাংঘাতিক সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ, এইকাৰণেই যে মই তেখেতৰ লগত একে লেঠাৰিয়ে 97 চনৰ পৰা শেষ দিনলৈকে প্ৰায় তেখেতৰ লগত মই সংগীতৰ অনুষ্ঠানবিলাকত আছিলোঁ। গতিকে তাতকৈ আচলতে এটা জীৱনত ভূপেন দাৰ নিচিনা ব্যক্তি এজনৰ সান্নিধ্য পোৱাটোৱে মোৰ কাৰণে সৌভাগ্য, তাতকৈ একো নালাগে, এক নম্বৰ কথা। আৰু দুই নম্বৰ কথা, সাংগীতিক দিশত মই যিমান কথা শিকিলোঁ হয়তো তেখেতৰ পৰা মই সামান্যকণেই শিকিছোঁ, কিন্তু এটা জীৱনত তেখেতৰ পৰা শিকিব নোৱাৰি, তাৰমানে ইমান তেখেত জ্ঞানীৰ মানে ইমান জ্ঞানী পুৰুষ, তেখেতৰ পৰা শিকি শেষ কৰিব নোৱাৰি। মই কেৱল তবলা বজাইছিলোঁ, গতিকে তাল সম্পৰ্কে বা কেনেকৈ আধুনিক গানত, বিশেষকৈ আধুনিক গানত কেনেকৈ একম্পেনি কৰিব লাগে, সেইটো মই হয়তো তেখেতৰ সান্নিধ্য নোপোৱা হ'লে মই জীৱনতে হয়তো শিকিব নোৱাৰিলোহেঁতেন, যে এটা এটা ৰিদমে কেনেকৈ কথা কয়, এটা ৰিদমে কেনেকৈ গান এটাক জীৱিত কৰি তোলে, সেইটো কেৱল ভূপেন হাজৰিকাৰ বাক্যৰ পৰাই, তেখেতৰ কথাৰ পৰাহে, বা তেখেতৰ গানৰ পৰা, বা তেখেতৰ সান্নিধ্যৰ পৰাহে মই গম পাইছোঁ। তাৰ আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে মেঘে গিৰগিৰ কৰে বুলি কোৱাৰ আগতেই এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব লাগিব, যে মেঘে গিৰগিৰ কৰে, মই যে মেঘে গিৰগিৰ কৰিছে, সেইটো এটা সাংঘাতিক কথা। এইবিলাক কথা আমি নাজানিছিলোঁ। কোমল বুলি ক'লে যে গোটেই পৰিৱেশটো মিউজিকেলি কোমল কৰি পেলাব লাগিব, আনিব লাগিব, যে তেতিয়া ভূপেন দাই যেতিয়া কোমল বুলি ক'ব, যে গোটেই পৰিৱেশটোৱে কোমলময় হৈ পৰে। সেই কথাবিলাক সাধাৰণতে আমি আধুনিক গানত সংগত কৰোঁতে আমি বহুত কথাই সেইবিলাক অলপ অভাৰলুক কৰোঁ। আমি কেৱল মিউজিক বজাই গৈছোঁ বা ৰিদম বজাই গৈছোঁ, এনেধৰণৰে হয়। ধ্বংস বুলি ক'লে যে এনেকুৱা এটা ধ্বংসৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, কমলে গীটাৰখনতো মানে এটা হাৰ্ড ষ্ট্ৰক বজাব লাগিব, কীবৰ্ডখনতো এটা জোৰদাৰ এটা ষ্ট্ৰক পৰিব, তবলাটো এটা খোলা মাত এটা আহিব। গতিকে সেই যে ধ্বংস, যে তাৰপিছত ধ্বংস বুলি ভূপেন দাই কোৱাৰ লগে লগে যে গোটেই ধ্বংসময় হৈ গৈছে, যে এই কথাবিলাক কেৱল ভূপেন দাৰ গানত আছে। আৰু সেইকাৰণেই বোধহয় মই অনুভৱ কৰোঁ যে ভূপেন দাৰ লগত সংগত কৰাটো যে খুব টান বুলি, যে মানুহে এনেই এটা আমি বাহিৰত আমি এটা শুনিছোঁ যে চবে কয় যে ভূপেন দাৰ লগত বোলে সংগত কৰিবলৈ বৰ টান হয় নেকি কথাটো। আচলতে কথাটো এনেকুৱা যে খুব এক্সপ্ৰেছিভ হ'ব লাগিব, এক্সপ্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব, যে তেখেতৰ লগত নহ'লে তেখেতৰ লগত গানৰ সংগত কৰাটো খুবেই কঠিন। আপনি পৱন বৰদলৈ জী কি বাত শুনি হোগি, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বাতে কহি উন্হোনে হামাৰে ভূপেন দাৰ কে বাৰে মে। ভূপেন দাৰ জব গীত গাতে থে তো পৱন জী तबला बजाते थे उनके साथ, ही इज अ ग्रेट तबलिस्ट। वेल, आगे बढ़ते हुए, इस प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए, अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिंगर को, और उनका नाम है श्रुतिमाला सैकिया। सो प्लीज वेलकम हर विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आप हमें हमारे साथ कुछ शेयर करेंगी भूपेन दा के बारे में? गीत वैसे तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैंने गीत गाई है। व्हेन आई वाज इन क्लास 10, आफ्टर आई अपीयर फॉर माय एचएसएलसी एग्जाम, बट यू डिड सिंग। यस, आई डिड सिंग वन सॉन्ग, लाइक दैट वाज इन तिनसुकिया। ऑलराइट, दैट वाज, आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, 12th ऑफ मे 1982। ही वाज स्टेइंग विद वन ऑफ माय अंकल, सो वी वेंट टू विजिट हिम देयर। After that, जाके मैंने उनको एक गाना सुनाया, he told me to sing, then I sang होई खो बोटे धमाली ले, so like he liked it, he said, I was very young that time, so he liked it, and he told me, you'll be singing in the evening with me, then I like, okay, I was so thrilled, I don't know what to say, so I would like to invite, can I invite one more singer? Of course, I would like to know which song are you going to sing for us? I'm going to sing that particular song, Sitralekha. Okay, so let us invite another singer. Yeah, sure. And we have Shamima Khatun with us. Please come. You're looking beautiful in this blue Mekhela Sador. Welcome to our show. Sitralekha চিত্ৰলেখা, চিত্ৰ এখন আকানা, চিত্ৰপথ
চিন্তা নায়ক কানা চিত্রলেখা চিত্রলেখা চিত্র এখন আকানা চিত্রপথত চিন্তা কিলে চিন্তা নায়ক কানা চিত্রলেখা চিত্রলেখা চিত্র এখন আকানা চিত্রপথত চিন্তা কিলে চিন্তা নায়ক কানা জনজীবন রে truly a beautiful and sweet number. I'm sure ki hamare sang sang aapne bhi is duet ko jo ki Shruti Mala aur Semi Mala ne gaya tha aapko bahut pasand aaya hoga. Well Rokhada Bhupenda kehte the mor moromor ahom khon bukute loi furu bujisa edin Jorhatot likhilu rim jhim borokhune nepur bojay kut wah shekhor kini likhilu Guwahati 1980 মোৰ অসমৰ ডেকা শক্তি যেতিয়া শ্বহীদ হ'ব লগা হ'ল মোৰ কলিজাৰ সুৰবোৰ বুজে কোনে ক'ত ন পুৰুষে দেশৰ হকে তেজ দিয়ে ক'ত আনে কৰা উপলুঙাক ওফৰাইনো ক'ত এ অসম দেশ সেইকাৰণে মই এই গীতটিৰ কিছুমান অনুভূতি বিচাৰি পেলাই কবিতা বাইদেউ আছে আৰু বলেন্দা আছে দুয়ো ভূপেন দাৰ মাতৃ ভগিনী অকণমান তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম প্লিজ ভূপেন দাই যেতিয়াই এটা গান সৃষ্টি কৰে আমাৰ মা দেউতা সি যদি কলিকতাতো লিখে বোম্বেত লিখে গুৱাহাটীত লিখে মা দেউতা থকা অৱস্থাত কথা কৈছোঁ তেতিয়া সি আহি এই গানটো আমাৰ গোটেইবিলাককে মা দেউতাক লৈ পেলাই বিচনাত বহুৱাই নহ'লে আমি গোটেইবিলাক একেলগে বহোঁ আমাৰ এটা গোটেইখিনি একেলগে বহি
কোনোবাই হাতত কিবা এটা লয়, গীটাৰে ল'লে তবলা নিচিনাকৈ টেবুলতে বজালে, এনেকৈ গোটেইবিলাক বহোঁ আৰু দেই। তেতিয়াৰ দিনৰ কথা কৈছোঁ, আগৰ ভূপেন আৰ্যত লিখে লিখি আহি মাহঁতকে প্ৰথমে মাতে, আমি চব বহি যাওঁ আৰু, চব কাম বাদ দি, নহ'লে সি আমাৰ তাৰ খং উঠিব। গতিকে আমি বহোঁ, গানবিলাক শুনায়। এই গানটোতো গাইছিল, লিখিছিলে, মোৰ এটা মোৰ নিজৰ মনত আছে এটা, এইটো এইটো গানৰ কথা মই কোৱা নাই, মই অন্য এটা গানৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ, যিটো এটা বিহুত ভূপেন দা, সেইটো গান হৈছে মদাৰৰে ফুল হেনো। সেই গানটো ভূপেন পূজাটো নালাগে, সেই গানটো ভূপেন দাই কলিকতাত লিখি আহি বিহুত গাবলৈ আহিছে। আহি পোৱাৰ দিনাই তাৰ ফাংচন আছে, কিন্তু আহি পায়ে মানে সি কৈছে যে হেৰি মাহঁতক বহুৱাই লৈ পেলাই গানটো শুনাইছে। তেতিয়া মোৰ মনত আছে দেউতাই গানটো শুনোতে দেউতাৰ দুইফালে চকুৰ দুই কাষে পানী বৈ গৈছে। এই গানটো সেই দেখি মৰু যেন লাগে, মই নিজে দেখিছোঁ, ময়ো কলিকতাৰ পৰা আহিছোঁ তেতিয়া, নিজে ফাৰ্মাৰ আছিল লগত। এইটো সেইকাৰণে ভূপেন দাই মানে যিটো ভূপেন দাই কিবা এটা লিখি আহি আমাৰ আগত গালে আমাৰ চবৰে চকু সেমেকি উঠে। কাৰণ বহুতো গান বেলেগ বেলেগ পৰিৱেশত লিখা গান, যিবিলাক গানে আমাৰ বুকুত খুন্দিয়াই, আমাৰতো বেয়া লাগে, মা দেউতাৰ কেনেকুৱা লাগে, সেইমতে মানে আমি দেউতা মাৰ চকুত পানী দেখিছোঁ। গতিকে কিছুমান মুহূৰ্ত আছে আৰু বহুত গান আছে বেলেগ বেলেগ সময়ত লিখা, এইটোৰ কথা সোধা কাৰণে হিচাপে আপোনাৰ অনুভৱ কওকচোন। এতিয়া যিখিনি ক'লে ৰোজে, তাৰ সাহিত্য ৰেফাৰেঞ্চ এটা দিব খুজিছোঁ। তুমি বিশেষকৈ এই গীতটিৰ কথা কৈছা, ৰিমজিম ৰিমজিম বৰষুণ বৰষুণ এনে পূৰ্ব যায়, তেতিয়া বহুত কথা মনত পৰিছে মোৰ। এতিয়া নিশ্চয় ইণ্টাৰ কলেজ, আমাৰ তেতিয়াৰ দিনত ইণ্টাৰ কলেজ মিউজিক কম্পিটিশ্যন আছে, ইণ্টাৰ কলেজত টেলেণ্টবিলাক ওলাই পৰে, ওলাই কেতিয়াবা যোৰহাটত হয়, কেতিয়াবা তেজপুৰত হয়, এনেকুৱা হৈ থাকে বেলেগ বেলেগ। বা যোৰহাটত ইণ্টাৰ কলেজ হওঁতে ভূপেন দাই এইখিনি আমাক চবকে, যেতিয়া যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত গীত পৰিৱেশন কৰিছিল, কম্পিটিশ্যন আছিল, কম্পিটিশ্যন ভূপেন দাই জাজ হৈ গৈছিল, আৰু কোন কোন জাজ আছিল পাহৰিছোঁ। ঠাণ্ডা দিন আছিল, জাৰৰ দিন, তেতিয়া বহুতকে শিকাইছিলে এই গীতটি, ময়ো লগতে গাইছোঁ। এই গীতটি এই ইণ্টাৰ কলেজত গাইছিলে, তাৰ আগতে দেউতাহঁতক শুনাই থৈ গৈছে, কাৰণ প্ৰতিটি গীতেই শুনাই যায়। ভাষা আন্দোলনৰ সময়ত চিক্সিত ৰূপেণ্ড কেলখেতাত হেমাংগদাৰ লগত আহিছে, কাৰণ ইফালে অশান্তিৰ জুই জ্বলিছে। তেতিয়াই এটা মধুচয়নিকা বুলি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে, আমিয়ে কৰিছিলোঁ, ৰমেন বৰুৱাহঁত আছিলে, মই আছিলোঁ, কাৰণ আমি গণনাট্য সংঘতো আছিলোঁ। গণনাট্য সংঘত থকা অৱস্থাতে মধুচয়নিকা কৰিলোঁ, তেতিয়া ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী ইতিমধ্যে ঢুকাইছে বুলি তেজৰ ডোঙা দেখিছোঁ হোষ্টেলত। তেতিয়া ভূপেন দাই এইখিনি গোটেই পৰিৱেশ পোৱাৰ পাছত আমি মধুচয়নিকাই এটা অনুষ্ঠান পাতিলোঁ, যাতে নাগৰিক সংঘ, নাগৰিক সংঘ এটা ফৰ্ম হৈছিল, যোনে ফাইট কৰিছিল এগেইনষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট, ৰঞ্জিত বৰপূজাৰীক মৰা মানুহজনৰ শাস্তিৰ কাৰণে। তেনেকুৱা তেনেকুৱা আমি ভাষাটো পালোঁ। আৰু তেতিয়াই মোৰ মনত পৰে, মোৰ ভুল হ'ব নালাগে, মানুহে মানুহৰ বাবেতো লিখি আমাৰ খেৰী ঘৰ এটা আছিল, এতিয়াৰ দৰে অলপ চলপ আৰ চি চি নাছিল, এই তাত খেৰী ঘৰটোত এখন বাৰান্দাত, মাটিৰ বাৰান্দা, তাত বহি পেলাই এইটো গীতটো শুনাইছিলে মানুহে মানুহৰ বাবে, দেউতা মা আৰু আমাক। তাৰ পাছতেই তাত
এই হেৰিত গীতটো পৰিৱেশন কৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত, আৰু তেনেকৈ গোটেই অসমত ঘূৰিছিলে শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কাৰণে। वेल फ्रेंड्स, हम आगे आपको दिखाने वाले हैं हमारी पब्लिक, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे लवली व्यूअर्स, व्हाट दे वुड लाइक टू से अबाउट आवर भूपेंदा ऑन दिस ओकेशन। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া, মানুহে মানুহৰ বাবে। ভালা কোন ভুল সকতা হে সমৰ গীত কো অৰ ইছকে সংগীতকাৰ ডাক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা কো। চলিয়ে আইয়ে কুছ অৰ লোগো সে বাত কৰতে হে অৰ জানতে হে ৱো অসম কে জাজাবৰ কে বাৰে মে কিয়া কহনা চাহতে হে। ভূপেন্দ্ৰ কা জো গানে লোগে ৱা পে ফোক ফোক কা বহুত ফিল ৰাতে হে, ৱা পে ফোক কা খুশবু ৰাতে হে। সো হম লোগ ভি ৱো কোশিশ কৰে কি থোড়া বহুত ভূপেন্দ্ৰ কা সাথ আগৰ থোড়া সা উনসে হম লোগ থোড়া যা সকে উনকে নজদিক থোড়া সা হাফ পার্সেন্ট ভি যা সকে বচ্চে লোগ কো সিখানে কে থোড়া ফোক, তো ওই হম লোগ কা কোশিশ হে। আর মেরা হিসাব সে আই থিঙ্ক we are trying 100% hum log ka hisab se school ka hisab se bachche log ko sikhane ke liye, aur I am very happy ki aaj 8 September birthday of our the biggest legend, the Bhupen Hazarika, salute to you sir all the time, happy birthday once again, and you are the inspiration person who has given us to do music in Assam. Thank you so much. দূর হে
अंत में मैं यही कह सकता हूं कि डॉक्टर भूपेन हाजोरिका जैसे अविस्मरणीय कलाकार सदियों में कभी कभार ही पैदा होते हैं। आज भूपेंदा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके उत्कृष्ट, उत्तम और जनप्रिय रचनाएं हमारे दिलो दिमाग और रक्त रक्त में हमेशा जीवित रहेंगे। मैं निशांत, कैमरा पर्सन मिंकू और पूरे टीम के साथ गुवाहाटी से। दोस्तों, आफ्टर एंजॉयिंग दिस म्यूजिकल एंड ब्यूटिफुल ऑडियो विजुअल, वी वुड लाइक टू प्रेजेंट बिफोर यू अ कोरस बाय मिसेस गोपा गोस्वामी बोरुआ एंड ग्रुप। वेल, ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस कोरस हैव कम फ्रॉम ऑल ओवर असम, एंड टू नेम आर टैलेंटेड पार्टिसिपेंट्स, फर्स्ट आई वुड लाइक टू नेम मिस प्रतिष्ठा बोरा, चाइल्ड आर्टिस्ट, मास्टर मानस ज्योति देव, मिसेस गोपा गोस्वामी बोरुआ, Mrs. Bornali Buraguhai Soikia, Mrs. Babita Borua, Mrs. Shikha Hazurika, Mrs. Hevali Gogoi, Mrs. Krishna Chaudhary, Mrs. Chitra Lekha Bora, Mrs. Geetanjali Rajkumari Borua, Mr. Mayur Bora, Mr. Vidyut Bikas Goswami, Mr. Kamal Kishore Goswami, and Mr. Dhiraj Sharma. Well, this song has been taken from Asmi's film Kaisa Hoon. The song was written by our Bhupenda and music direction by Bhupenda. Presenting before you, chorus by Gopa Goswami Borua and group. Yeah.
Wonderful, that was really, really so melodious. Well, friends, I'm sure ki aap logon ne bhi is chorus ko enjoy kiya hoga. And now we are coming towards the end of this program. But before we wrap up this show, I would like to invite all our guests present here, dignified guests present here, to please join us on stage. Friends, hum jaate jaate Bhupendra ka ek lokpriya geet ek saath milkar gana chahenge. Yeh lokpriya geet kai bhashaon mein इस गीत को ट्रांसलेट किया गया है और फिर बीबीसी ने भी इस गीत को सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम का खिताब दिया था एक बार. वेल रोखादा, आपको नहीं लगता कि हमारे जो ये भूपेंद्रा के गीत हैं हमेशा नई जो हमारी पीढ़ियां हैं हमेशा ये गीत जो हैं एक प्रेरणा स्रोत बन के रहेंगी और भूपेंद्रा के गीत हमारे दिल में बसे हैं, हम हमेशा से गा रहे हैं और गाते रहेंगे. एंड ही द ग्रेट म्यूजिक माइस्ट्रो विल ऑलवेज रिमेन एन इंस्पिरेशन टू फॉर ऑल आर म्यूजिक लवर्स एंड नेक्स्ट जनरेशन. जी हाँ, इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम को ख़त्म करें, मैं सबका अनुमति लेते हुए हमारे जो म्यूजिशियंस इतना धीरज से ये सारे प्रोग्राम को आपके लिए प्रेजेंट किया, तो उन लोगों को मैं परिचय करवाना चाहूँगा. पेद में है हमारे सीनियर म्यूजिशियन असम के प्रांतिक फुकन यानी रिंटुडा. ये नए नए आए हैं मंच पर, इसको मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया था. अंजना गोगोई हमारे नए जेनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है. दीपुल दास ढोलक में, जोगेन बसुमतारी बांसुरी से आपका मन मोह लिया होगा मेरा विश्वास है. कुखल कलिता कीबोर्ड पर अच्छे अच्छे कीबोर्डिंग किए हुए हैं इन्होंने. दीप राजवंशी इलेक्ट्रिक गिटार पर, जिन्होंने सारे सिंगर्स को कलाकारों को प्रोत्साहित किया, मैं हृदय से धन्यवाद कहना चाहूंगा सभी को. वंस अगेन लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर ऑल द ग्रेट आर्टिस्ट, टैलेंटेड आर्टिस्ट. एंड मे वी प्लीज हैव ऑल आवर डिग्निफाइड गेस्ट. May we please request them to please join us on stage and let us all sing Manu Hai Manuhar Babe. Yes friends, today is the 89th birth anniversary of the great icon. Oh.